हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था आप लोगों की तरफ से, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो को जल्द से जल्द बना के रिलीज़ की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टर्बोचार्जर सुपरचार्जर क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शन है, इन दोनों का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो सभी चीज़ पर हम लोग डिटेल्स पर बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी को ही जानते हैं कि एक इंजन को रन करने के लिए एयर और फ्यूल चाहिए होता है। तो जितने अच्छे इंजन में एयर जाता है उतनी अच्छी तरीके से फ्यूल बर्न होता है, और अच्छी तरीके से फ्यूल बर्न होने से माइलेज भी ज़्यादा अच्छा मिलता है और इंजन से परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर दोनों का काम एक ही है कि ये दोनों डिवाइस इंजन में जो एयर की डिलीवरी होती है उनको बढ़ा देती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके से ये काम को करती है और इन दोनों के कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं टर्बोचार्जर के बारे में। दोस्तों, टर्बोचार्जर पे बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ का कॉन्सेप्ट कब आया। तो इंजीनियर और रिसर्चर्स काफ़ी समय से सोच रहे थे कि बिना इंजन की भी सीसी को बढ़ाए, यानी बिना इंजन की डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाए, इंजन की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैसे आप लोग भी जानते होंगे कि अगर इंजन के साइज़ को इंक्रीज किया जाएगा तो मेंटेनेंस भी बढ़ और भी इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जा सकते हैं, इसीलिए टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर का यूज़ किया जाता है अब इंजन में पावर को बढ़ाने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं टर्बोचार्जर के बारे में। दोस्तों, जो टर्बोचार्जर है वो ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में यूज़ होता है। टर्बोचार्जर अक्सर आपको कार्स में देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए आप टाटा नेक्सॉन को ले सकते हैं। टाटा नेक्सॉन में जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है वो टर्बोचार्ज है। अभी जो नई ह्यूंडई की वेन्यू आई है वो भी 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है। और अपर लेवल की आप कार्स देखेंगे तो आपको मर्सिडीज़ एएमजी E63S में तो ट्विन टर्बो इंजन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जो टर्बोचार्जर होती है वो ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में यूज़ होती है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टर्बोचार्जर यह होती है वो यूज़ करती है इंजन से ही निकली हुई एग्जॉस्ट गैस को अपनी रनिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, बाइक में तो उतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस नहीं निकलती है, इसलिए टर्बोचार्ज उतनी ज़्यादा बाइक पे नहीं यूज़ होती है। कार से आपको देखें होंगे, कार से ज़्यादा अमाउंट की जो एग्जॉस्ट गैस है वो निकलती है, इसलिए टर्बोचार्जर यूज़ किया जाता है कार्स में। तो दोस्तों, टर्बोचार्जर को जैसा मैंने बताया इंजन से ही निकली हुई एग्जॉस्ट गैस पर ये रन करती है। इंजन से निकली हुई एग्जॉस्ट गैस को डायरेक्टली एटमोसफेयर पर नहीं रिलीज़ करवाया जाता है, वो पहले जाती है, वो निकलने से एटमॉस्फेयर पे पहले जाती है टर्बोचार्जर में। और टर्बोचार्जर में दोस्तों एक टर्बाइन व्हील होता है, एक कंप्रेसर व्हील होता है। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस है वो टर्बाइन व्हील को घुमा देती है और टर्बाइन व्हील को इतनी स्पीड पे रोटेट करती है कि उसकी जो स्पीड होती है वो 1 लाख आरपीएम से 3 लाख आरपीएम के बीच में होती है। उसके बाद ये जो एग्जॉस्ट गैस है उसको रिलीज करा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, रिलीज करने से पहले तो मैंने आपको बोला कि वो टर्बाइन व्हील को इतनी ज्यादा स्पीड पे ही रोटेट कर देती है, तो वो टर्बाइन व्हील कनेक्ट रहता है कंप्रेसर व्हील से, तो कंप्रेसर व्हील भी बहुत स्पीड पे रन करने लगता है। और वो कंप्रेसर व्हील का काम रहता है कि बाहर से एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को सक करना। फ्रेश एयर को सक करता है कंप्रेसर व्हील, फिर वो जाती है एक इंटरकूलर में, और फिर इंटरकूलर के बाद वो जाती है इंजन में। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी एयर जो है वो जाती है इंजन में, जिसके वजह से एयर की जो डिलीवरी होती है वो इंजन में बढ़ जाती है। ताकि दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर इंजन में एयर की डिलीवरी बढ़ जाएगी तो उससे काफ़ी कुछ हम लोगों को फायदा होगा। इंजन में ज़्यादा एयर डिलीवरी होने के बाद जो फ्यूल है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बर्न होती है, और ज़्यादा अच्छी तरीके से बर्न होने से वो ज़्यादा माइलेज भी हम लोगों को उससे मिलता है, पावर में इंक्रीज आ जाता है। और दोस्तों, जो टर्बोचार्ज इंजन होती है वो पोल्यूशन भी कम प्रोड्यूस करती है, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन्स में जो एग्जॉस्ट गैस होती है इंजन से जो निकलती है उनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर पे नहीं रिलीज़ किया जाता है। और दोस्तों, टर्बोचार्ज इंजन्स को कंपनी सेट करती है कि उनमें जो टर्बो है वो कब ऑन होगा, लो आरपीएम पे ऑन होगा, मिड आरपीएम पे ऑन होगा कि टॉप एंड आरपीएम पे ऑन होगा। जनरली लो आरपीएम या मिड आरपीएम से टर्बोचार्जर इंजन के साथ काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये था टर्बोचार्जर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सुपरचार्जर के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो टर्बोचार्जर होता है और जो सुपरचार्जर होता है दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो सुपरचार्जर है वो इंजन ही की पावर को यूज़ करता है अपनी रनिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, सुपरचार्जर इंजन ही की पावर को यूज़ करता है रनिंग के लिए, और सुपरचार्जर कनेक्टेड रहता है इंजन से फ्रिक्शन बेल्ट की मदद से। अब यहाँ पर आप ये बोलोगे कि जब ये इंजन ही की पावर को यूज़ कर रहा है तो ये एक्स्ट्रा पावर कहाँ से देगा, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो सुपरचार्जर जो पावर यूज़ करता है इंजन से वो बहुत ही कम पावर यूज़ करता है, लेकिन
लेकिन बदले में वो इतना एयर ही सक कर लेता है कि इंजन को जो पावर रिड्यूस होती है उसके बदले में काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सुपर चार्जर फ्रिक्शन बेल्ट की मदद से कनेक्टेड रहता है इंजन से, इसमें जो कंप्रेसर व्हील होता है वो इंजन जब घूमता है तो वो कंप्रेसर व्हील घूमता है और वो कंप्रेसर व्हील बाहर से एयर को सक करता है और इतना ज़्यादा एयर सक करता है फिर उसको इंटरकूलर में भेजता है। फिर दोस्तों वो जो एयर है इंटरकूलर में जाने के बाद उसकी टेम्परेचर घट जाती है और तब वो इंजन में चल जाता है। फिर इंजन में जाने के बाद एयर की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इंजन में जिसके वजह। और दोस्तों अगर इसकी फायदे की बात करें तो सुपर चार्ज इंजन में आपको सिर्फ पावर में इंक्रीज देखने को मिलता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एयर की जो डिलीवरी होती है वो इंजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसमें आपको माइलेज तो उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इंजन की पावर तो पहले ही से सुपर चार्जर एक बार ले रहा है फिर बाद में अलग से पावर दे रहा है, तो माइलेज इसमें आपको ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और ये पॉल्यूशन भी उतना ही करता है जितना एक नॉर्मल बाइक करती है क्योंकि इसमें तो एग्जॉस्ट गैस से ये नहीं चलता, ये तो इंजन से डायरेक्टली चलता है। और दोस्तों जो सुपर चार्जर होता है ज़्यादातर वो स्मॉलर कैपेसिटी वाली इंजन में यूज़ किया जाता है, यानी ये बाइक्स में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप कावासाकी निंजा H2R को देख सकते हैं, उसमें सुपर चार्जर का यूज़ किया गया है, निंजा H2 में यूज़ किया गया है, डुकाटी पानीगाले V4 में किया गया है। तो ये सब कुछ बाइक्स में आपको सुपर चार्ज इंजन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर दोनों के ही बारे में बता दिया, अब मैं आपको इन दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों जो टर्बो चार्जर होता है वो सुपर चार्जर से ज़्यादा पावर जनरेट करता है क्योंकि टर्बो चार्जर कोई भी इंजन से पावर नहीं ड्रॉ करता अपनी रनिंग के लिए, और वहीं जो सुपर चार्जर होता है वो इंजन ही की पावर को यूज़ करता है अपनी रनिंग के लिए। दूसरी बात ये हो गई दोस्तों कि जो टर्बो चार्जर होता है वो बड़ी व्हीकल्स में आपको देखने को मिलता है और वहीं जो सुपर चार्जर होता है वो आपको स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट वाली व्हीकल्स में देखने को मिलता है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टर्बो चार्जर होता है उसको एग्जॉस्ट गैस चाहिए होता है अपनी रनिंग के लिए और एग्जॉस्ट गैस ज़्यादा बड़ी व्हीकल्स ही रिलीज़ करती है और वही जो छोटी व्हीकल्स आती है जिनमें कम डिस्प्लेसमेंट का इंजन होता है वो उतने ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस नहीं रिलीज करती है जिनके वजह से उनमें सुपर चार्जर का यूज़ किया जाता है। तीसरी बात ये हो गई दोस्तों कि जो टर्बो चार्जर होता है उनमें आपको लैग देखने को मिलता है। टर्बो चार्जर में जब तक एक सफिशियंट अमाउंट का एग्जॉस्ट गैस जाता नहीं है तब तक वो ऑन नहीं होती है और जब तक पर्टिकुलर RPM पे व्हीकल नहीं पहुंच जाता तब तक भी उनका टर्बो ऑन नहीं होता है। ये चीज़ आपको सुपर चार्जर में नहीं देखने को मिलता है क्योंकि जैसे ही इंजन ऑन होता है वैसे ही सुपर चार्जर भी ऑन हो जाता है, इसलिए सुपर चार्जर में आपको इमीडिएट पावर की डिलीवरी देखने को मिलती है और वहीं आपको टर्बो चार्जर में लैग देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जर्नलिस्ट लोग कहते हैं कि देर इज अ टर्बो लैग ऐसे करके वो लोग कहते हैं। दोस्तों टर्बो चार्जर होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, सुपर चार्जर उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। टर्बो चार्जर की मेंटेनेंस हाई रहती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी पास होती है, सुपर चार्जर में ऐसा कुछ नहीं होता इसलिए इसकी मेंटेनेंस कम होती है। और दोस्तों जो टर्बो चार्जर होता है उसमें आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन सुपर चार्जर इंजन्स में आपको माइलेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस हो गई टर्बोचार्जर इंजन्स और सुपरचार्जर इंजन्स के बारे में। तो यही था मेरा वीडियो टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।